दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत साल 1992 में 25 करोड़ कैपिटल के साथ हुई थी। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि NSE पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य नहीं किया करता था। यह सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत सिर्फ टैक्स पेइंग कंपनियों के तौर पर काम किया करता था। साल 1993 में NSE ने बतौर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करना चालू कर दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बाद शेयरों की खरीदी एवं बिक्री में काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिली है। भारत के दोनों स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आप BSE के बारे में नहीं जानते और अगर आप BSE के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मैं आई कार्ड में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर BSE के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, ताकि शेयर बाजार में लोगों का भरोसा बना रहे और लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहें। इसी समय SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी, जिसका मेन काम यही था कि बाजार में धोखाधड़ी को रोकना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद ट्रेडिंग की प्रक्रिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। पहले शेयर की ट्रेडिंग पेपर के रूप में होती थी, जिससे कि शेयर को खरीदने और बेचने में 6 महीने का लंबा समय लगता था, क्योंकि शेयर को पहुंचाने तक के लिए पोस्ट ऑफिस और डाक विभाग का सहारा लिया जाता था। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई थी। साल 1994 में NSE ने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और शेयर का भाव कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा था। NSE ने भारत में ऑटोमेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। जब सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा तो ब्रोकरों और इन्वेस्टरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। साल 2021 तक NSE में लगभग 1641 कंपनियां लिस्ट हो गई हैं। जिस स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 25 करोड़ कैपिटल के साथ हुई थी, 2021 में उसका मार्केट कैप $3.4 trillion हो गया है। NSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.nseindia.com है। इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।